नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी आखिरकार गिरफ्तार हो गया, ये बड़ी खबर मिल रही है। लगातार कई दिनों से फरार चल रहा था श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अच्छी सबसे बड़ी खबर, नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। करीब चार दिनों से फरार चल रहा था, लोकेशन श्रीकांत त्यागी अपनी बदल रहा था। सूरजपुर कोर्ट में कल उसने एप्लीकेशन दी थी, सरेंडर करने की अर्जी लगाई थी। 10 अगस्त की तारीख कोर्ट की तरफ से मिली थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, हर किसी की नजर इस बात पर बनी हुई थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर आखिर क्यों है, किसका संरक्षण प्राप्त है उसे। लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी हो रही थी, उसकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई, उसकी अकूत संपत्ति अवैध निर्माण पर कल हमने देखी। और साथ ही यूपी सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। नोएडा से लेकर उत्तराखंड तक की पुलिस श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही थी और श्रीकांत त्यागी को अब आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसे दो राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, चार दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। कहां से पकड़ा गया है, लोकेशन की डिटेल्स मिली है क्या? देखिए, अभी लोकेशन की डिटेल्स नहीं मिल पाई है, लेकिन उच्चस्थ जो सूत्र है सरकार के, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके साथ तीन और लोग थे जो मौके से पकड़े गए हैं। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो अब इस बात की तस्दीक की जा चुकी है सरकार की तरफ से भी कि श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी बाकी और डिटेल्स अभी सामने आने बाकी। कितनी देर पहले गिरफ्तारी कुमार हुई है, क्या इसको लेकर कोई औपचारिक स्टेटमेंट नोएडा पुलिस की तरफ से भी आई है? क्योंकि लगातार पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना हुआ था, किरकिरी नोएडा पुलिस की हो रही थी कि आखिर अब तक वो गिरफ्त से पुलिस की बाहर क्यों है। देखिए, 48 घंटे का वक्त पहले नोएडा पुलिस ने दिया था, लेकिन अभी जो मेरी बात हुई है उसके मुताबिक कुछ देर पहले, यानी कि तकरीबन आधे घंटे से लेकर 45 मिनट पहले का ये वाकया है जब उसे गिरफ्तार किया गया और उसके साथ उसके तीन साथी और मौजूद थे जो कि पकड़े गए हैं। और ये कुल चार लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं जिसमें श्रीकांत त्यागी भी शामिल है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलिस, कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर पुलिस के छापे थे, लेकिन आखिरकार उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन कहां से गिरफ्तार किया गया है फिलहाल इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चार लोगों के साथ, तीन लोगों के साथ गिरफ्तार किया है, कुल चार लोग गिरफ्तार। एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगाई थी श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में, क्या उसे जमानत भी मिल सकती है? अभी इसकी सुनवाई 10 तारीख को होनी है। मुझे नहीं लगता कि एंटीसिपेटरी बेल पर अभी कुछ कमेंट किया जा सकता है। जिस तरीके से पुलिस ने जाल बिछाया था कि वो सरेंडर ना कर सके, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए उसे गिरफ्तार करना सबसे बड़ी चुनौती थी, अगर वो सरेंडर कर जाता तो एक और किरकिरी होती, कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए भी उसने अपने जाल बिछाए थे। और आज जबकि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो अब इस बात को आप मान लीजिए कि पुलिस और प्रशासन कम से कम ये बात कहने की स्थिति में होगा कि उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था और उन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस 48 घंटे के बाद भी गिरफ्तारी होने पर कहीं ना कहीं इस वक्त भी किरकिरी जरूर हो रही है। कुमार, एक और बात, सुबह उनकी पत्नी को हिरासत में लिया, उनसे क्या कुछ डिटेल्स मिले जिसकी वजह से ये दबिश हुई और उसको पकड़ा जा सका? देखिए, इस बारे में अभी बहुत खुलकर बात नहीं की जा सकती। जो कंफर्म किया गया है वो इतना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कौन सा टिप ऑफ मिला है, कैसे गिरफ्तारी हुई है, ये जो डिटेल्स है ये थोड़ी देर बाद सामने आएंगे।